वो वैसे भी अभी डेड होनी थी। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन तेरा नाम। रियान आता ही होगा और फाइनली हम यहां से निकल सकते हैं। हरी आप, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। आपका तो मुझे पता नहीं, कम से कम मुझे आपके साथ एक पल भी रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। और रियली ये जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से हुआ है। ना ही तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स खराब करती, ना ही मुझे दोबारा प्रिंट आउट लेने पड़ते, और ना ही वो अंदर वॉचमैन हमें लॉक करता, ना ही हम दोनों को एक साथ यहाँ रात गुजारनी पड़ती। मेरे कहने का मतलब है, ना ही हम दोनों को यहाँ फंसे रहना पड़ता। और अगर यही बात मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो, ना ही आप ऑफिस में देर रात तक रुककर काम करने का फैसला करते, ना ही आपकी तीमारदारी के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ता, और ना ही हमें यहाँ एक साथ रात गुजारनी पड़ती।
मेरा मतलब है हम यहाँ आपकी वजह से फंसे। यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा अपनी हदें भूल जाती। नौकर हो नौकर की तरह ही रहो, और मैं कब कहाँ क्या करूं इसके फैसले मैं खुद ले सकता हूँ। अच्छा, जिसमें फैसला लेने की समझ होती है ना, उसमें जिम्मेदारी निभाने का हौसला भी होता है। और आप उन लोगों में से नहीं है जो अपनी गलती मान सके, क्योंकि किसी के सामने अपनी गलती मानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो आपके पास नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? आपकी तारीफ में तो ये बहुत कम है। मेरी मजबूरी है कि मैं आप जैसे इंसान के साथ काम कर रही हूँ, जिसे इंसान कहने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। आपके दूसरे नाम आप पे ज्यादा सूट करते हैं, जल्लाद जन। अगर मेरे लिए काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जमीन पर नाक रगड़ो, माफी मांगो और इत्तफा हो जाओ। गेट लॉस्ट। कभी नहीं। आप जैसे इंसान का एहसान मुझे लेना ही नहीं है, जो सारी उम्र ये जताए कि मैंने तुम्हारी मदद की। जितने भी पैसे आपने मेरी बड़ी अम्मी के इलाज पे लगाए हैं ना, उसका एक एक पैसा चुकाऊंगी मैं, कि मेरी जिंदगी मेरे कंधों पर मुझे बोझ ना लगे। इसे कहो कि मेरे सामने से दफा हो जाए। तुम सी योर फेस। आप ऐसे जल्लाद को कैसे बर्दाश्त करते हैं रेहान जी? मैं हमेशा आपसे यही सवाल पूछती हूँ। अरे इसने मेरे साथ क्या किया? सारी रात मुझसे काम करवाया और इतना काम करवाया। पहले से बीमार थी मैं, और उसके बाद मैं इतनी देर तक बारिश में भीगती रही, लेकिन इस जल्लाद को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ना तो मेरी तरफ देखा और ना बाद में झूठे मुंह माफी मांगी। तुम्हें लगता है कि ऐसा हुआ होगा? थोड़े गौर से देखो सनम। मैंने ही मांगा होगा, क्योंकि ये तो इंसानियत के नाम पे अपने माथे की शिकन तक लग। इसके लिए शुक्रिया। इसे ड्राई क्लीन करवाना
और इज्जत से मुझे वापस देना। इंसान से ज्यादा इज्जत तो आप अपने कपड़ों को देते, क्योंकि कपड़े आहिल रजा इब्राहिम के सामने सिर उठाने की जरूरत नहीं करते। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी पूरी रात बर्बाद हुई है। एज अ रिजल्ट तीसरी बोतल तोड़ने का वक्त आ गया। अरे आ गए आप लोग, ये हया है। मैंने कहा था ना ये बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती है। ओह हाँ, पर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ना ऑटो वाले को पैसे देने हैं, तुम्हारे पास 100 की चेंज होगा? हाँ ये लीजिए। शुक्रिया, मैं अभी आई। यहाँ मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए? ये मेरा घर है, मुसाफिर खाना नहीं। या अल्लाह, जरा भी दीन ईमान नहीं है तुम लोगों का जो मुंह उठा के यहाँ पर आ गए। अब भला मुझे कोई शौक तो है नहीं कि सारे दुनिया के फकीरों को अपने घर पे बुला लूं। अब तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि नौकर बड़े महंगे हो गए। अब यहाँ पर रहोगी तो काम तो करना पड़ेगा ना। ऐसे क्या घूर रही हो, गूंगी बहरी के कान आ गए हैं? हाँ इतने लंबे सफर में थक गई होगी ना। आप लोग जाके आराम कीजिए, मैं खाना बना के लाती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। चलो अहल भाई, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप? मेरा नाम राज है। और व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अहल भाई, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की मेरे लिए सब कुछ है, मेरा प्यार, मेरी दोस्त, मेरी जिंदगी, सब कुछ। और उस प्यार को पाने के लिए मैं क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ, और उसके लिए मुझे एक टीम की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ मेरी टीम में शामिल हो। अहल भाई, सिर्फ मेरे लिए क्रिकेट मैच नहीं, एक जंग का मैदान है। मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, सब कुछ दांव पे लगा है। और अगर मैं मैच जीत गया तो मैं अमनी से अपनी दिल की बात कह पाऊंगा। मैं उसे कह पाऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। आप मेरी टीम में खेलोगे? प्यार, इश्क, मोहब्बत, कौन करता है ऐसी बातें? ये बातें आर फॉर इमोशनल फूल्स, एंड मैं इमोशनल फूल नहीं हूं। मेरी बात तुम्हारे क्रिकेट मैच की, तुम ये मैच हारने वाले हो, क्योंकि मैं ये मैच चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज के बेटे समर्थ की तरफ से खेल रहा हूं। That's okay. कोई बात नहीं,
और हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर सकता, पर एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ। विड्रॉ फ्रॉम द मैच। ऐसा मैच खेलने का क्या फायदा जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता हो। हारने वाले तो तुम हो ही, यू नो व्हाई? क्योंकि आहिल रजा इब्राहिम जो खेल खेलता है उसमें कभी नहीं हारता। आई होप ये मैच आपको हारना सिखा दे, क्योंकि ये जंग मेरे प्यार की है और इसमें जीत सिर्फ मेरी होगी। बात पे शेयर अर्ज है, जालिम रजा इब्राहिम के देखो कैसे ठाट, इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन जैसे धोबी घाट। हाय अल्लाह, एक तो यहाँ हर चीज में इतने बटन हैं, यहाँ हर चीज इतनी उलझी हुई क्यों है? अब ये वो माइक्रोवेव की तरह ब्लास्ट कर गया तो? पर ड्राई क्लीन क्यों बोला उसने? इतना नहीं पता उसे पहले कपड़े क्लीन होते हैं फिर ड्राई होते हैं? उसे क्या पता होगा, कभी जिंदगी में कोई काम किया हो तो पता चले। सारी उम्र लाड साहब ने ऑर्डर ही तो चलाया है। क्या करूं मैं? ये तुम यहां क्या कर रहे हो? वो ये पॉट धोना था मुझे, लेकिन वॉशिंग मशीन में इतने सारे बटन। पर आपसे नहीं पूछूंगी मैं, फिर से अपने आप को मैं किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। एक्चुअली ब्रोजान की नजरों में मेरा इंप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, और अगर तुम चाहती तो उसे पूरी तरह से खराब कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ब्रेव तो हो ही, और तुम्हारे अंदर गट्स भी है। आई एम इम्प्रेस्ड। आप इस कोट को इसमें डाल सकती हो। पानी अपने आप आएगा। ये कोट है, इसको ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई का मतलब तो मालूम होगा ना तुम्हें? हाँ हाँ, मैं आई पंद्रह मिनट के बाद निकाल लेना, ठीक है? शुक्रिया। नहीं, बुरी भी नहीं है शाजिया। You know, लोग खुद को जितना स्मार्ट समझते हैं ना, उन्हें बेवकूफ बनाना उतना ही आसान होता है। It's so funny. Can you imagine? ड्राई क्लीनिंग करना था तो मैंने उसे बोला बिना पानी डाले वॉशिंग मशीन में डाल दो, या उसने कर दिया। अब एक बार उसको को धुल जाने दो, उसके साथ साथ उस जफर के चेहरे का रंग भी उड़ जाएगा।